कान्हा को हमें दीजिए। दीदी अगर आपने नहीं दिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करोगी तुम? आपको अपनी दुनिया में वापस भेज देंगे और आपका सपना अधूरा रह जाएगा। वो तो तुम्हारा भी रह जाएगा, और मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम महान ना बन पाओ। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है? गुंजन दीदी आपको आपको सुनाई दिया? हाँ तरंगनी हमें आवाज सुनाई दे रही है, लगता है कान्हा आ गया है। हाँ फिर तो ज्योति भी आई होगी। ज्योति दीदी को तो कान्हा ही लेकर आने वाले थे ना। हाँ एक काम करो, तुम दोनों जाओ और आरती की थाली तैयार करके ले आओ। हाँ स्वागत जो करना है जाओ जाओ जाओ। हाँ हम अभी लेकर आते हैं। दरवाजा मत खोलो, पहले इन लोगों को आरती की थाली तो ले आने दो। हाँ आ गए। दीदी अब तो दरवाजा खोल सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ लगता है काना और ज्योति दीदी आए नहीं है। हाँ हमें भी यही लगता है, पर आवाज तो आ रही थी ना। हाँ लेकिन हमको तो नहीं सुनाई दिया था। नहीं काना आ गया है, बस वो हमारे साथ खेल खेल रहा है। बांसुरी की आवाज तो हमें भी सुनाई दे रही है, लेकिन कान्हा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हाँ पर कान्हा ऐसा कर क्यों रहा है? एक काम करते हैं, सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। हाँ Thank you.
ज्योति। अब आरती करो। क्या देख रही हो? दीदी हम नब को देख रहे हैं। दीदी कितना अच्छा होता ना अगर आप नब की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाती। हम सब आपको दुल्हन के रूप में देखते और इतना मत सोचो हमारे बारे में, अपने बारे में सोचो। और दुल्हन के रूप में हम तुम्हें सबसे पहले सजाएंगे और राजकुमार के साथ विदा करेंगे। लेकिन इस सब के लिए सबसे पहले हमारे रास्ते का कांटा सुशील सिंह को हटाना बहुत जरूरी है। इस दशहरे में उस रावण का वध होगा। हमने सोच लिया उसे हम अपनी दुनिया में वापस नहीं आने देंगे। सुशील सिंह अब तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं आएगा। उसका वध होगा। इससे भी जरूरी है कि उसके शरीर में बैठे उस शैतान का वध, जो बहुत ही मुश्किल है। उसके शरीर को मारकर क्या हासिल होगा? उसकी आत्मा तो वही शैतान रहेगी जो तुम्हें और तुम्हारी दुनिया को हमेशा परेशान करती रहेगी। उसने हमारी बहनों के शरीर को मारा था, उनकी आत्मा को लहू लोहान किया था। हम भी उसके शरीर को मारेंगे, उसकी आत्मा को लहू लोहान करेंगे। वो भी उतना ही तड़पेगा जितना कि तुम तड़पे थे। गुंजन दीदी तड़पी थी और जितना हम तड़पते
लेकिन दीदी आपका मकसद तो अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाना है ना, हम सभी बहनों की जिंदगी को संवारना है, हमारे सपनों को पूरा करना है ना? तो फिर आप ये गुनाह का रास्ता क्यों अपना रही? ज्योति, पाप को खत्म करने के लिए पापी का संहार करना पड़ता है। वो क्या क्या कर रहा है ज्योति तुम नहीं जानती। दीदी हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम मानती हो ना तरगिनी कि हम तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी सोच से हम बने, कालू से कान्हा बनाया है तुमने। गुंजन के प्यार और विश्वास ने हमें मुरली मनोहर बना दिया। हम तो एक आम इंसान थे, लेकिन तुम सबके भरोसे और विश्वास को जीने से एहसास हुआ कि भगवान तो सभी में होता है। हमें मानती हो तो कुछ जिम्मेदारी हमें भी दे दो। तुम हमारी ताकत हो और हमारी हर चुनौती में तुम हमारा साथ दोगे। लेकिन सुशील सिंह का वध तो निश्चित है। सब हम पे इल्जाम लगाते। सुनैना दीदी कहती है कि हम जानबूझकर ज्योति को सताते। राजकुमार को आने नहीं देते। हमें ज्योति के प्यार से जलन है, ईर्ष्या है, क्योंकि नव जिससे हम प्यार करते जो हमसे बिना कोई वादा किए ये भरोसा देके चला गया कि वो वापस आएगा। और हमारे सभी अच्छे बुरे वक्त में वो हमारा साथ दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका दुख है हमें, लेकिन इस दुख से हम इतनी दुखी नहीं हो गए कि हमें अपनी ही बहन के प्यार से जलन होने लगे। अरे राजकुमार को तो हम ढूंढ के लाए थे ना, पर हमने ही कहा था कि ज्योति और राजकुमार की शादी कराएंगे। तो कराएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी करेंगे। हमारा प्यार अधूरा रह सकता है, लेकिन हमारी बहनों का प्यार नहीं। पंडित जी, जिन्होंने प्रसाद में हमें और राजकुमार को जहर मिला के दिया था, और फिर बाऊ जी उन्होंने राजकुमार और हमारा गला दबाकर हमें मार डाला। केदार, शायद जिसे हम सब बहनें भैया कहते थे, उन्होंने हमें जमीन में दफनाया। आप क्या उनसे भी बदला लेंगी? दीदी आप किस किस से बदला लेंगी? हमारा प्यार अधूरा रह सकता है, लेकिन हमारी बहनों का प्यार नहीं। और इस सब के लिए जो हमारे रास्ते का जो खलनायक है ना, सुशील सिंह,
उसे खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। गुंजन दीदी आज भी उसके नाम से कांप जाती है और तुम कहते हो कि उसे ऐसे ही छोड़ दे। उस रावण का वध ना करे। किस किस को मारोगी तुम तरीके? अभी कुछ ही दिनों में बाबूजी जेल से छूट जाएंगे। अभी तक तो वो सिर्फ डर बनकर तुम्हारे दिमाग पर हावी थे और उसके बाद तो वो साक्षात तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। फिर क्या करोगी तुम? मार डालोगी उन्हें? और मणि चाचा जो दिन रात किसी ना किसी नई साजिश की साठगांठ करते रहते उन्हें भी मार दोगी? और मौसा जी जिनकी वजह से हमारी माँ बेबस और लाचार हो गई थी उनका क्या करोगी तुम? मार डालोगी उन्हें भी? दीदी पंडित जी जिन्होंने प्रसाद में हमें और राजकुमार को जहर मिला के दिया था और फिर बाऊजी उन्होंने राजकुमार और हमारा गला दबाकर हमें मार डाला। आप क्या पंडित जी से भी बदला लेंगे? केदार शायद जिसे हम सब बहने भैया कहते थे उन्होंने हमें जमीन में दफनाया और हमारे राजकुमार को तो जिंदा दफना डाला। आप क्या उनसे भी बदला लेंगी? दीदी आप किस किस से बदला लेंगी? हम मानते हैं हम सबसे एक गलती हुई है। हमने प्यार किया है लेकिन उससे भी बड़ी गलती हमारे समाज से हुई है। समाज ने हम सबसे नफरत की है। एक बात बताइए आप क्या इस पूरे समाज से भी बदला लेंगी? दीदी किसी से बदला लेकर उसे बदल नहीं सकते। ज्योति ठीक कह रही है। क्यों ना वास्तविक दुनिया से हम अपना नाता तोड़ लें, नई जिंदगियों को सजाएं, क्यों ना तरेगिनी की दुनिया में एक अनोखी दुनिया सजाएं? जिस समाज में कोई ईर्ष्या ना हो, कोई जलन, कोई द्वेष ना हो, सब सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। और फिर तुम भी तो ऐसी ही दुनिया की कल्पना करती हो ना तरेगिनी? तुम्हें याद जब भी तुम सप्तऋषि तारों को देखती हो तो तुम एक नई सतरंगी दुनिया बना लेती हो। क्यों ना हम सब मिलकर उसी दुनिया को सजाएं? क्यों ना हम सब सिर्फ प्रेम की बात करें, सिर्फ प्रेम को जिए? ये सब इतना आसान नहीं है दीदी। हर एक कर्म की भट्टी में सबको जलना पड़ता है तब सब कुछ सामने आता है। और जिसने जितना किया है ना उसे उतना भोगना ही पड़ता है। तरेगिनी की दुनिया बिल्कुल वैसी होगी जैसा आप सोचती हो। हम अतीत को बदलना चाहते हैं ताकि
कि वर्तमान और भविष्य हमारे सोच के अनुसार चले। दीदी, क्या आदित्य को बदलना संभव है? तरेगनी की दुनिया में सब कुछ संभव है। हम सच में आदित्य को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए बदला लेना जरूरी है। सुशील सिंह को मारने का जो निश्चय तुमने किया है, तुम्हें उसे भूलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, क्योंकि पापी का सर्वनाश हमेशा होता है और होता रहेगा, और इस विजयदशमी को सुशील सिंह का वध होगा। बस को बदलना मुमकिन है? तरेगनी की दुनिया में सब कुछ संभव है। हम सच में आदित्य को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए बदला लेना जरूरी है। बस तुम लोग हमारा साथ दो, हम इस नवरात्रि में कलश स्थापना करना चाहते हैं। लोग हमारे साथ रहिए, बस और कुछ नहीं। तरेगनी, हम सब तुम्हारे साथ, सब साथ हैं तुम्हारे। लेकिन सुशील सिंह को मारने का जो निश्चय तुमने किया है, तुम्हें उसे भूलना होगा। अपना प्राण तुम्हें तोड़ना होगा तरेगनी। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पापी का सर्वनाश हमेशा होता है और होता रहेगा। और इस विजयदशमी को सुशील सिंह का वध होगा। बस दीदी, उस पंडित से मिलने क्यों गई है? वो राजकुमार और आपकी शादी के खिलाफ साजिश कर रही है। वैसे भी तरेगनी इस नवरात्रि में धर्मयुद्ध की तैयारी कर चुकी है, पर कहीं ऐसा ना हो कि संघार के इस चक्रव्यूह में सुनैना का अंजाम भी बहुत बुरा हो जाए। आप जो करना चाहती है ना दीदी, अब खुल के कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। दीदी, विजयदशमी के दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, और जब तक आप बुरा नहीं करेंगे, हम आपको कैसे जीत पाएंगे?